हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ट्वेंटी अक्टूबर यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में ट्रेक्सिन टेक्नोलॉजीज यूनिपाच इंडिया फैंटम डिजिटल यूनिपाच इंडिया माना जा रहा है कि अपकमिंग आई पी होता हुआ देखने को मिलेगा तो चर्चा करेंगे इसके बारे में भी आ, एक और आ, आई जो है उसकी डेट्स भी फाइनल हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे आज फैंटम डिजिटल आई का अलॉटमेंट है तो वो कैसे चेक करना है वो भी आपको बताऊँगा तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ट्रेक्सिन आई की कल लिस्टिंग होने वाली है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसको भी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा तो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले फैंटम डिजिटल के बारे में बात कर लेते हैं तो फैंटम डिजिटल के इन्वेस्टर्स की आज किस्मत का दिन है बेसिकली इन्वेस्टर्स क्या कहूँ आईपीओ -क्य। जिन्होंने पैसा लगाया है उनके आज किस्मत का दिन है बिकॉज आज दोस्तों अलॉटमेंट की तारीख है आज अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा नाइनटीन ऑफ अक्टूबर है आज और डेफिनेटली सबको इसका बेसब्री से इंतजार था तो आज पता चल जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है अब चेक कैसे करना है हम एक बार ये देख लेते हैं तो दोस्तों पहली वेबसाइट तो बी की रहेगी तो दोस्तों ये जो वेबसाइट की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो बी की वेबसाइट पे सबसे पहले हमको आना है अब करना क्या है यहाँ पे दोस्तों आने के बाद यहाँ पे आपको आना है फिर सर्च करना है दोस्तों इक्विटी इक्विटी पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे इशू नेम जो है उस पर अपना डाल देना है जो आई आने वाला है जिस आई का अलॉटमेंट है बेसिकली आज वो है फैंटम डिजिटल्स तो देखिए फैंटम डिजिटल्स अभी शो नहीं कर रहा है ठीक है अभी दोस्तों शो करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि अभी तक आईपीयू के अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको अगर नहीं दिखता तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोसेस जो है वो बेसिकली स्टार्ट होती है हमेशा हमने देखा ही एक लास्ट कुछ समय से सात बजे के बाद तो सात बजे के बाद चेक करना चालू करेगा लेकिन बी एस के अलावा दोस्तों रजिस्ट्रार वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको यही कहूंगा कि आपको रजिस्ट्रार वेबसाइट से चेक करना चाहिए रेदर देन बी यहाँ पे बी की बिकॉज बी एस की वेबसाइट पर बहुत बार दोस्तों जो होता है नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा देता है और फिर पता नहीं पर चल पाता लोगों के हमको आईपीओ मिला या नहीं मिला तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आईपीओ नहीं मिला है नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब होता है कि जो अभी तक अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है तो दोस्तों इसके जो रजिस्ट्रार है, वो है पूर्वा शेयर तो देखिए हम साइड पे आ चुके हैं पूर्वा शेयर इसकी बिलिंग में डिस्क्रिप्शन में तो नजर आप, आप तो नहीं आ रहा है बिकॉज यहां पे आपको देखने को मिलेगा फैंटम डिजिटल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या है फैंटम डिजिटल आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है इसीलिए नहीं दिखा रहा है यहां पर आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको अपना पैन नंबर डाल देना कोई सा भी एक डाल देंगे तब भी चल जाएगा तो वो दोस्तों फिर सबमिट करके आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला है जैसे मैंने कहा टाइम जो है वो उसका सात से नौ बजे के बीच में दोस्तों देखना चालू करिएगा कि उस समय मोस्ट प्रोबेबली चालू हो जाना चाहिए अगर चालू हो जाता है तो बढ़िया है वरना हो सकता है कि यहाँ पर कल भी आपको टाइम देना पड़ता है कल भी यहाँ पर अलॉटमेंट का जो स्टेटस है वो निकल के तो उसमें काफ़ी बार ऐसा हो जाता है ग्री मार्केट के ऊपर बात करें तो दोस्तों जो ग्री मार्केट है उसके अंदर नो चेंज आता हुआ देखने को मिला है पिचत्तर की पचहत्तर यह सिक्सटी थ्री थाउजेंड के सिक्सटी थ्री थाउजेंड के आपको सब्जेक्ट टू रेट्स देखने को मिलेगा एंड करीबन सेवनटी नाइन परसेंट दिख रहा है लिस्टिंग में तो अपना आप में बेहद तगड़ा लिस्टिंग है उनकी प्रोबेबिलिटी दिख रही है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक कि आपको आईपीओ मिल जाए बिकॉज मिलना अनडाउटेटेटली बहुत मुश्किल है बहुत कम चांसेस रहते हैं दो सौ सात में से एक को मिलता हुआ देखने को मिलेगा अगर आपने रिटेल कैटेगरी में से लगाया है तो ये बात डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है बात करते हैं अब नेक्स्ट आईपीओ के बारे में दोस्तों जिसकी कल लिस्टिंग होने वाली है जिसका नाम है Yeah. <laughs> ट्रैक्सिंग टेक्नोलॉजी अब ट्रेक्सिंग टेक्नोलॉजी की ग्रे मार्केट तो माइनस तीन रूपये चलते हुए देखने को मिल रही है एंड डेफिनेटली ट्रेक्सिंग टेक्नोलॉजी दिखा रहा है कि हो सकता है कि नेगेटिव लिस्टिंग हो तो दोस्तों ट्रेक्सिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर आज एक पूरा डिटेल वीडियो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ जो टाइम है वो इसका आ जाएगा ऑलमोस्ट सिक्स पे साढ़े बजे सात बजे के करीबन जो है दोस्तों जो वीडियो है वो पब्लिश हो जाएगा तो बिल्कुल आप उस वीडियो को देखिए बिकॉज वो इंपॉर्टेंट भी होने वाला है जिनको नहीं भी मिला तो क्या हम खरीदारी कर सकते हैं ट्रेसिंग के अंदर कल क्योंकि अगर आप भी आप

केमटेक लिमिटेड आई पी यह आपको आता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम थर्टी थर्टी फर्स्ट नवंबर टू थर्ड नवंबर के बीच में कंपनी दोस्तों एज द नेम सजेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉस्फरस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का कंपनी जो है वो बेसिकली केमिकल कंपनी केमटेक कंपनी है जो काम करती हुई देखने को मिलती है और कंपनी की खासियत अगर बात करें तो हाइएस्ट क्वालिटी प्रैक्टिस जो यहाँ पे कंपनी है वो देती हुई नज़र आती है वाइटल केमिकल केमटेक लिमिटेड जो है फैसिलिटीज़ है इनकी तीन वेरियस सिटीज़ साइट्स के अंदर बेसिकली जीआईडीसी एरिया दहेज एरिया ऑफ पीसीआर पीसीपीआईआर रीजन एंड वन इज लोकेटेड इन जीआईडीसी एरिया सनानन डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद कंपनी की स्ट्रेंथ डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स एक्सपीरियंस है प्राइम लोकेशन पे है फाइनेंशियल नज़र अगर आप डालेंगे तो प्रॉफिट जो है वो कंपनी का लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है इसमें बहुत बढ़िया है चौबीस नवंबर 2021 को नंबर्स निकल के आए थे उसमें सात सौ चौरासी लाख यानी सेवन पॉइंट एट फोर करोड़ का और अगर हाल ही के नंबर्स आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेफिनेटली रेवेन्यू है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है बट ओवरऑल बढ़िया ग्रोथ दिखाई है इशू की प्राइस दोस्तों जो कंपनी लाती हुई नजर आई है वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है जल्द अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिलेगी बट डेफिनेटली आई आने वाला है और यहाँ पर बिल्कुल इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी जो रिटेलर्स है उनको थर्टी फाइव ऑफ द ऑफर दिया जाएगा तो बिल्कुल ये एक नया इशू है जो ओपन होने वाला है अगला दोस्तों जो इशू है वो है टेक्नोपैक पॉलीमर्स मैं दोनों आईपीओ के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी ब्रीफ में आप जान लीजिए टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड आईपीओ भी आ, जो है ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा एक और ऐसे में इशू है दो से सात नवंबर के बीच में तो ये आईपीओ जो है वो आपको बाद में खुलता हुआ देखने को मिलेगा पचपन रुपये का इशू है दस रुपये की फेस वैल्यू है कंपनी जो नजर आ रही है सात करोड़ का इशू है क्योंकि एस है तो दोस्तों एस ज्यादा बड़े इशूज नहीं होते हैं बी एस सी सिर्फ बी एस पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा और एक अलॉटमेंट कुल मिला के दो शेयर आपको मिलेंगे सो so, डेफिनेटली ये एक और इशू है टेक्नोपैक पॉलीमर्स आई जो यहाँ पे आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी करंट इसकी जो ग्रे मार्केट है वो स्टार्ट नहीं हुई है एंड जो एक और इशू जिसके बारे में हमने बात की वाइटल कैमटेक उसकी भी अभी तक ग्रे मार्केट स्टार्ट नहीं हुई बिकॉज उसका प्राइस बैंड अभी तक कंपनी के द्वारा अनाउंस नहीं किया गया डेट्स अनाउंस हो चुकी है एक और दोस्त

एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट्री माइनिंग सी एफ एम जो आफ्टर मार्केट सेक्टर्स है उसका काम करती हुई देखने को मिलती है कंपनी का प्रेजेंस ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव कंट्रीज के अंदर आपको नजर आ जाएगा कंपनी थ्री पॉइंट लिंकेज सिस्टम थ्री पी एल प्रिसीजन मशीन पार्ट्स पी एम पी और पीटीओ का, का काम कर लेती है ओ एच वीज भी दोस्तों कंपनी का एक प्रेजेंस है वैल्यू चेन है अब सबसे पहले तो हम इसके नजर आ लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे तो फाइनेंशियल्स यही नजर आते हैं कि 31 मार्च 2019 को कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ का था और आज आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे जो 31 मार्च 2021 से अगर कंपेरिजन करते तो वो थोड़ा सा डाउन दिखा है प्रॉफिट जरूर सिक्सटी करोड़ का नाइन्टी करोड़ हुआ है रिजर्व जरूर बढ़ते हुए देखने को मिले बट नंबर्स टू बी प्रिजाइज इतने खास नजर नहीं आते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर नजर डालनी पड़ेगी कंपनी अगर वैल्यूशन सही लेके आती है बिकॉज रेवेन्यू में डिप है वन जीरो सिक्स टू करोड़ से नाइन थर्टी एट करोड़ हुआ अगले साल उसके का उसका अगले साल नाइन फोर्टी सेवन करोड़ हुआ थोड़ा सा बड़ा लेकिन अभी अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे जब थर्टी फर्स्ट मार्च दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन निकल so, uh, 31 के आए सो थर्टी फर्स्ट डिसंबर के नंबर्स में एट हंड्रेड एंड एटी फोर करोड़ का रेवेन्यू हो गया बट प्रॉफिट वन ट्वेंटी टू करोड़ का हो गया क्वार्टरली नंबर्स को डेफिनेटली कंपेयर करना सही नहीं है बट नंबर्स जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते स्क्रीन के ऊपर कंपनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कब यहाँ पे पैसा जो है वो पैसा यानी इन द सेंस कि आईपीओ का प्राइस बैंड कब लाती हुई देखने को मिलेगी बट ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये इशू जो है वो ओपन होगा तो इसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी बट यही कि मार्केट के सेंटीमेंट है मार्केट अभी तो सही चलता हुआ देखने को मिल रहा है हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो जाए अगर मार्केट खराब हो जाता है तो फिर दिक्कत आ सकती है रिटेलर्स को करीबन पैंतीस का हिस्सा दिया जाएगा गुरदीप सोनी परमजीत सिंह सोनी कंपनी के प्रमोटर्स हैं एंड डेफिनेटली ये जो इशू है वो आता हुआ देखने को मिलने वाला है कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग लिंक सेवेंटी फाइव परसेंट की है वो कम हो जाएगी आफ्टर द इशू सिक्सटी थ्री परसेंट से तो बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखनी है फ्रेश इशू ही आता हुआ देखने को आ, मिलने वाला है फ्रेश इशू नहीं आता हुआ देखने को मिलेगा माफ करेगा सिर्फ ओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा यानी कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो खुद अपनी स्टेक पूरी बेचते हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखेंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था ओप्स वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से मेरी बात जुड़े सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो